फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने फिर से आ गया हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ, बचपन में हमने टॉम एंड जेरी तो बहुत देखा है। हाँ सर बिल्कुल, ये हमारे टॉम भाई साहब, ये हमारे जेरी भाई साहब, इन दोनों के ऊपर हमने बहुत सारे कार्टून देखे हैं। अब कार्टून देख के ना दिल से मजा भी आता है, चाहे कार्टून में कोई बात नहीं होती है, कोई वर्ड्स ही नहीं होते थे, फिर भी दोनों को देखकर वी एंजॉयड अ लॉट। सर बात तो ठीक है। चलो अब मेरा ना यहां पर आपसे एक सवाल है, आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ, आपका मन किसके साथ लगता था? मतलब आपको ऐसा क्या लगता था कि कौन जीतना चाहिए, टॉम या जेरी? दोनों में से सच्ची सच्ची बता दो बेटा, क्या मन करता था कि आपको टॉम जीतना चाहिए या जेरी जीतना चाहिए? अब आप ये मेरे को ना अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना और साथ साथ वीडियो पे लाइक दबा दो। देखो लाइक दबाने से मुझे मोटिवेशन मिलता है नलायको, तो लाइक दबा दिया करो ताकि मेरे को और मन करे कि मैं ऐसी वीडियोस आपको आपके सामने और लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं अभी आपके साथ बताता हूं कि मेरा फेवरेट क्या था और सर ऐसा क्यों था। मैं ये सारी बात आपसे आज इस वीडियो में करने वाला हूं। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले दो मिनट लेते हैं और आपके लिए अनअकैडमी की मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। तो सबसे पहले अनअकैडमी पर बच्चे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। वंस यू बाय आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो बेटा आपका फायदा क्या होगा? सर आपके पास ना जितने प्लस के फीचर्स है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सर क्या क्या? मैंने कहा मैं बताता हूं। तो अगर हम सीए इंटरमीडिएट का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले प्लस में आपको टॉप एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, टेस्ट क्विजेस, ये तो मिलता ही है। आइकॉनिक में क्या एक्स्ट्रा? तो आइकॉनिक में सबसे पहले आपको मिलेगा आपका पर्सनल कोच, जो आपका हैंड होल्डिंग करेगा, जो आपको टाइम टू टाइम बताएगा ओके नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, अब ये आपके सामने प्रॉब्लम है तो आपको इसको ओवरकम कैसे करना है। सर ये कौन होंगे? बेटा ये पास्ट हमारे रैंक होल्डर्स हैं, जो आज की डेट में सीए क्वालिफाई करने के बाद बिग फोर्स में या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब कर रहे हैं। दे हैव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि एग्जाम में आजकल क्या एनवायरमेंट रहता है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सब बातें आपको वो गाइड करते रहेंगे। साथ साथ बेटा ये सब आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, फॉर ऑल द 8 पेपर्स आपको मिलेंगी सारी की सारी प्रिंटेड बुक्स सारे सब्जेक्ट्स की। यू विल हैव अ लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज कौन से हैं, आपके वीक जोन कौन से हैं, तो ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, जिससे आप अपने आप पर वर्क कर सकते हो, अपनी कमियों को दूर कर सकते हो। डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल होगा जहां पर आप अपने डाउट सॉल्विंग कर सकते हो। सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे, जहां पर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हो, इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप में क्या करना है, सीए आगे जाकर क्या करना है, एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें। तो बेटा ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 38,250 में। बट रुको, आप तो हमारे अपने हो, अपने तो अपने होते हैं, तो बेटा जब आप यहां पर रेफरल कोड लगाओगे सीए सुनील का, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तो आपको इमीडिएट बेसिस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर आपके पास है, यू कैन ऑलवेज कम टू मी एंड आस्क योर क्वेरीज। ऑलराइट, चलो लेट्स कंटिन्यू बैक टू द सेशन। तो फ्रेंड्स आपने लिख दिया? सर नहीं लिखा। अरे तुम चीटिंग करते हो, देखो तुम ना मेरी बात मानते ही हो, नलायक तुम सारे के सारे। चलो कोई बात नहीं, चलो अब मुझे बताओ आपको कौन पसंद था, टॉम? इधर था टॉम, हाँ सर टॉम है, और इधर जेरी, टॉम और जेरी। तो मुझे बताओ आपका फेवरेट कौन था, हु वॉज योर फेवरेट, या आप किसके साथ ऐसे लगता था यार इसके साथ ये काम हो जाए? तो सच्ची सच्ची बोलूं, हम सबके मन में एक ना कहीं जेरी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता था, हाँ यार ये बेचारा ना, ये टॉम ना इसके पीछे पड़ा रहता है या नहीं है, बताओ मुझे बताओ। हाँ यार ये टॉम ना इसके पीछे पड़ा रहता है और इसको बड़ा परेशान करता रहता है। बात तो आपकी ठीक है, बट कई बच्चे ऐसा भी मुझे कहते हैं, सर देखो बात तो ये भी है ना, जेरी भी तो टॉम को परेशान करता था। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, जेरी भी आप टॉम को परेशान करता था, बट बेटा यहां पर ना दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि मैक्सिमम लोग, मैंने जब ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा तो मैक्सिमम बच्चों ने मुझे बोला सर हमारा वोट जाता है जेरी की तरफ। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों, Why you people think Jerry was a good one? या Jerry ऐसा क्यों कर रहा था, या Jerry के साथ आपका feelings क्यों जाती है? तो सर इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। अगर हम दो मिनट के लिए सोचें,
तो बेटा टॉम कर क्या रहा है? टॉम और जेरी की अगर आप कार्टून देखोगे तो प्राइमरीली टॉम को हर टाइम अपना फूड चाहिए होता है, जो जेरी आकर लगभग हर बार परेशान करता था, राइट? और जेरी, और फिर जेरी भागता है और उसके पीछे टॉम उसको पकड़ने के लिए भागता है। तो बेटा आप जरा यहां पर सोचो, हम सब जेरी के साथ इसलिए बिकॉज जेरी की लाइफ सर्वाइवल पर थी। सोचो, जरा सोचो बेटा, वो अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए भाग रहा था, जबकि टॉम हमारे वन टाइम फूड के लिए भाग रहा था कि भाई उसको बस एक बार का खाना मिल जाए, जबकि हमारे जेरी भाई साहब बेटा हर बार के सर्वाइवल, अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए भाग रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक जेरी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आता था, यार देख इसको तो बच जाना चाहिए, यार देख इसको ना इसको मार देना चाहिए, टॉम को इसकी पिटाई कर देनी चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए, घूसे पे घूसे मारने चाहिए, होता ही नहीं होता। तो बेटा सेम वे हमारी जिंदगी भी तो होती है। सोचो, जरा सोचो, हमारी जिंदगी में भी टॉम और जेरी का गेम चल रहा होता है। सर कैसे? मैंने कहा जरा सोचो, आपका सीए इंस्टीट्यूट और आप टॉम एंड जेरी की तरह ही तो परेशान हो रहे होते हो। जितने सीए वाले एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जितने सीए वाले बच्चे हैं बेटा, वो सब बन जाते हैं जेरी और हमारे इंस्टीट्यूट भाई साहब बन जाते हैं टॉम, है ना? ऐसा नहीं सर, वाइसे वर्षा है, आपने गलत समझा, अब ये वाइसे वर्षा है। एक्चुअली आप बच्चे बन जाते हो टॉम और हमारा आईसीएआई बन जाता है जेरी। आप जरा सोचो, जेरी चाहता है आईसीएआई आपके लिए पूरी लाइफ के लिए काम कर रहा होता है, बट आप बच्चे ना सिर्फ एक अपने अटेम्प्ट के लिए फोकस कर रहे होते हो। आप ये सोचते हो कि बस मेरा ये वाला पास हो जाए सर, ये वाला पास हो जाए, जैसे भी हो जाए, मतलब हमें ना कॉन्सेप्ट आते हो ना कुछ आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बेटा आईसीएआई आपके लिए क्या करता है? आईसीएआई आपके लिए पूरी मेहनत करता है कि आप बच्चों की नॉलेज और बच्चों की जो इंटीग्रिटी है वो एकदम सॉलिड रहे। जब आप सीए क्वालिफाई करके मार्केट में जाए तो मार्केट में आप लोगों को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मिले, बट आप बच्चे क्या कर रहे हो? आप बच्चे सब टॉम बनकर अपने साथ चीटिंग कर रहे हो। आपको बनना है जेरी, जो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको अभी जब पढ़ाई करनी है तो ऐसे सोचो सब कुछ स्टेक पर है, उस तरीके से पढ़ाई करनी है, बट आप बच्चे सिर्फ एग्जाम अटेम्प्ट के लिए सोच के पढ़ाई करते हो, यार बस ना मेरा एग्जाम पास हो जाए, नॉलेज अरे बाहर में गई, क्वेश्चन अबे छोड़ना, पास होना चाहिए बस, अपने को पास होने से मतलब है। नहीं, ये गलत है। अगर आप आज सिर्फ पास हो गए, आप सिर्फ टॉम बन गए, तो मैं आपको बता दूं आगे चल के हो सकता है, मैं भगवान से दुआ करूंगा ऐसा कुछ ना हो, हो सकता है कई बच्चों को एक्चुअली में टेक्निकली इश्यूज आ जाए। मैंने देखा है मेरे कई स्टूडेंट जो पास हो गए, जब उनके साथ मैंने देखा कि यार उनके साथ ना कई जगहों पर बड़ी प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स क्यों आई? क्योंकि उनके कहीं ना कहीं वो उसी पॉइंट पर चल रहे थे, सर एग्जाम पास करना है, नॉलेज गया साइड में। मैंने कहा नहीं, ये पाप चढ़ेगा बेटा, ये पाप चढ़ेगा अगर तुमने ऐसे सोचा। नॉलेज तो आपको रखनी ही रखनी है, नॉलेज के बिना काम होना ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन मोटो इज नॉलेज। नॉलेज होगी, कॉन्सेप्ट होंगे, प्रैक्टिस होगी, तो आपको एग्जाम पास करने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता, आपके एग्जाम अपने आप पास हो जाएंगे, आप मेहनत तो कर ही रहे हो ना। तो बेटा इसलिए मैं बोलता हूं आपको लाइफ में जेरी बनना है ना कि टॉम। तो अपना जो टॉम वाला मोड है कि मेरे को एग्जाम पास करना है, बस रट्टा मार लू, कुछ भी मार लू, कैसे भी करके एग्जाम पास हो जाए, हे प्रभु एग्जाम पास करा दो, नहीं, ये टॉम वाले मोड को स्विच ऑफ कर दो, जेरी वाले मोड को स्विच ऑन कर दो, और बिलीव मी अपने आप से आप देखना कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ये कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है? तो बेटा उसके लिए मैं बोलूंगा आओ पधारो हमारी क्लास में, आप हमारी क्लास में आओ तो आपको पता चलेगा यो कॉन्सेप्ट है, यो हमारे कॉन्सेप्ट है। और अगर हमारी क्लास में नहीं भी आते कोई बात नहीं, मेरे इसी चैनल पे बहुत सारी मेरी कंटेंट वाली वीडियो पड़ी है जो आपके स्टडीज से रिलेटेड है, मैंने पुरानी वीडियोस यहाँ पर डाल रखी हैं, आप उनको देखोगे ना उन्हीं में आपको पता चल जाएगा। मेरी कई वीडियोस तो ऐसी है जिन पे 1.5 लाख व्यूज है, सही बता रहा हूँ, देखना जाके नीचे, हाँ थोड़ी पुरानी है बट आप उनपे देखोगे तो 1.5 लाख व्यूज है। तो सर एक बार जरा चेक करना, आपको अपने आप पता चलेगा कंटेंट नामक वस्तु क्या होती है, व्हाट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कंटेंट। अगर आप ये देखोगे ना
बिलीव मी यू विल बी फीलिंग लाइक अमेजिंग गॉट इट। चलो तो जल्दी से अपना जेरी मोड ऑन करो, टॉम मोड को स्विच ऑफ करो और अपनी पढ़ाई पर एकदम मेहनत से लग जाओ। सोचो ये आपके सर्वाइवल का पॉइंट है, आपको पूरी नॉलेज के साथ आगे बढ़ना है, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, सिर्फ टेम्परेरी पास नहीं होना। गॉट इट। चलो बच्चा लोग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मैं उम्मीद करो पसंद आई होगी, लाइक का बटन जरूर दबा देना। चलो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।